बहराइच जहां सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में गंदगी दूर कर स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है, वहीं केसरगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसेंडी गांव में ये परियोजनाएं दम तोड़ रही हैं। सफाई कर्मचारी की मनमानी के कारण नालियों की सफाई के अभाव में गाँव के रास्ते में कूड़ा कचरे का अंबार लगा हुआ है। नाली में कूड़ा अधिक होने से नाली चौक चौबंद हो गई है। वहीं गाँव में संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद कर सोए रहते हैं। गांव में गंदगी का अंबार लगा रहता है और लोग इससे परेशान होते हैं, साथ ही साथ मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है। हालांकि कई बार लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से सफाई कर्मी के द्वारा नियमित सफाई कराए जाने की मांग भी की। ग्रामीण बेहाल समस्या से जूझ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में मस्त है। बताते चले कि ग्राम पंचायत परसेंडी में नाली सफाई न होने से सड़कों व नालियों में कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है, जिससे आने जाने के लिए ग्रामीणों की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। वहीं बारिश का पानी नाली के सफाई के अभाव में गांव से बाहर नहीं निकलता। गांव के घरों में निकलने वाला पानी भी सड़कों पर जमा हो जाता है और ग्राम पंचायत परसेंडी में नाली बनी हुई है तो उसकी नियमित सफाई नहीं होने से समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे जल भराव व कीचड़ के बीच यहाँ बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीण को आने जाने में कठिनाई झेलनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत की ओर से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परसेंडी गांव है जहां पर गंदगी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के चलते गांव में तैनात सफाई कर्मचारी के विरुद्ध ग्रामीण के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। खलील अहमद नाम है। क्या समस्या है? समस्या ये है भैया, सफाई कर्मी यहाँ से नहीं आ रहा है। सफाई कर्मी कई लाखों शिकायत करने के बाद में बहराइच और कैसरगंज अधिकारियों के तब हुआ, एक बार आता है और साफ करता है तो कचरा उठाता नहीं, वहीं पड़ा रहता है, वापस नाली में चला जाता है। आने जाने में बहुत समस्याएं होती है यहाँ, ऐसे कचरा ऊँचा पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप सब लोग, ये समस्या है यहाँ पे। नाली से जो कूड़ा निकालता है रोड पर फेंक देता है, उसको उठाता नहीं, आता नहीं, कई महीना जब बोलते हैं उससे तो निकाल के नीचे फेंक देता है, आता नहीं फेंकने के लिए, तो गंदगी होती है, बदबू देता है और यही समस्या है। फिर वापस कचरा जो है नाली के अंदर